रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों ये दोनों टीमें फिर से आमने सामने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो जहां इनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी लेकिन अभी ना ये डगमगा चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, इनकी जो शुरुआत हुई थी ना थोड़ा सा खराब हुई थी लेकिन अब कप्तान कौन है, MS धोनी। उनके आते ही टीम मैच जीती और ये दोनों टीमें आमने सामने हैं, जिनका पहले का जो रिकॉर्ड्स है ना 10 और 20 का भी नहीं है भाई साहब, 9 और 20 का। कैसे 9 20 का इन दोनों के बीच का रिकॉर्ड्स है, चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो ओवरऑल इनके बीच में अभी तक 30 मैच खेले गए, जिसमें से 9 मैच RCB ने जीता, 20 मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, 1 मैच नॉर्थ अल्ट्रा। मतलब चेन्नई हमेशा मात देता है किसको, RCB को। तो लड़ाई हुई ना 9 और 20 की, तो भाई लोग ये जो रिकॉर्ड है ये 10-20 का हो जाएगा या फिर 9 और 21 का हो जाएगा, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। मई के महीने में इनके बीच में 12 मैच खेला गया, दोनों टीमों ने 6-6 मैच अपने नाम पे किया, यानी इस महीने में कहीं ना कहीं जो मामला है ना बिल्कुल बराबरी का। वेडनेसडे के दिन इनके बीच में 3 मैच खेला गया, जिसमें से 1 मैच RCB ने जीता, 2 मैच CSK ने जीता। मतलब वेडनेसडे के दिन बिल्कुल थोड़ा सा CSK RCB से आगे है, आगे तो आगे होता है ना, चाहे थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें, RCB ने बस 1 और चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मैच जीता। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट 5 मुकाबले की बात करें ना, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने RCB को बुलाया इधर आ और ले, मतलब मारा है, हराया है, भेज दिया है, जीत ही नहीं पाए। अगर हम इस सीजन की बात करें, जो IPL 2022 का 1 मैच खेला गया, उस टाइम पे तो RCB बहुत अच्छे फॉर्म में था, लगातार मैचेस जीत रहा था। चेन्नई की बात करें, लगातार मैचेस हार रहा था, लेकिन RCB सामने आती है और चेन्नई सुपर किंग्स अपना जीत का खाता खोल लेती है। मतलब चेन्नई किसके सामने कैसी परफॉर्मेंस करे, लेकिन जब RCB सामने आती है ना तो कहती भैया अपना काम हो गया, चलो आज का मैच तो जीतना ही जीतना। दोस्तों क्या चेन्नई सुपर किंग्स फिर से वैसी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगा MS धोनी की अगुवाई में और करेगा हर मैदान फतेह RCB के सामने, या RCB बोलेगा बहुत हो गया भाई साहब, बहुत हो गया, इस बार तो मैच हम ही जीतेंगे, करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हार का बदला। आप यही जानना चाहते हैं ना, पूरी वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा जो आज का मैच होगा ना वो कैसे चलेगा। अगर हम इस मैच की बात करें, वेडनेसडे 4 मई इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं और यह मुकाबला खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। अगर हम इस मैदान की बात करें ना, चेन्नई को यहाँ पे मैच खेलना और जीतना बहुत ही ज्यादा पसंद है। कैसे पसंद है, चेन्नई ने यहाँ के मैदान पे अभी तक 10 मैच खेला IPL के, 10 मैच में से 7 मैच जीता, बस 3 मैच हारा। मतलब चेन्नई को यहाँ का जो मैदान है काफी ज्यादा पसंद आता है। RCB की बात करें तो RCB यहाँ के मैदान पे 7 मैच खेला, 7 में से 3 जीता 4 हारे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के मैदान पे जो RCB की टीम है वो स्ट्रगल करती नजर आती है। चेन्नई वर्सेज RCB यहाँ के मैदान पे 1 बार आमना सामना हुआ, उसे भी चेन्नई ने RCB को हरा दिया। मतलब चेन्नई यहाँ के मैदान पे RCB के सामने जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है। और IPL 2022 की बात करें तो यहाँ के मैदान पे अभी तक 9 मैच खेले गए, जिसमें से 6 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 3 मैच में टारगेट चेज हुआ। मतलब यही एक मैदान है जहां पे ज्यादातर मैचों में क्या होता है, टारगेट डिफेंड होता है। 9 मैच में 6 मैच में डिफेंड हुआ, बस 3 मैच में चेज हुआ। एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग का 169, 169 रन है। टारगेट चेज की बात करें 165, 165 से नीचे स्कोर बनेगा। 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 181, 181 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 181 के बीच में टारगेट होगा, आप समझ जाना मामला बराबरी का है, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। दोस्तों यहां के मैदान पे जो आज का मैच होने वाला है ना बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग होगा ना लो स्कोरिंग होगा, थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 9 मैच खेले जा चुके हैं। यहां का जो पिच है ना वो तो बैटिंग के लिए बढ़िया है, सपाट पिच है, लेकिन बेचारा थोड़ा सा थक चुका है। और जब पिच थक जाता है ना तो बॉल जो होता है बैट पे थोड़ा सा रुक के आता है, जो स्पिनर गेंदबाज होते हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा यहां का पिच। तो जो आज का मैच है थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। मतलब जो पावर प्ले का स्कोर है 40 से 45 के बीच में, अगर 20 ओवर स्कोर की बात करें 170 से 185 के बीच में देखने को मिल सकता था। मतलब ज्यादा हाई स्कोरिंग हो सकता है आपको यहाँ पे मैच देखने को ना मिले। तो भाई लोग यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम दमखम दिखाने वाली है, जीतने वाली है आज का मैच, चलो हम ना यही जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जिन्होंने अभी तक 10 मैच खेला, 5 मैच जीते 5 मैच हार गए। इनके 10 पॉइंट्स है, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। अगर आज के खेमे में चेंजेस की बात करें तो मे बी कोई चेंज ना होगा, बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 के साथ RCB इस मैच में उतरने वाला है। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, विराट कोहली पिछले मैच में हाफ सेंचुरी आई लेकिन काफी ज्यादा स्लो मोशन में आई। भैया T20 का जमाना है, आप ODI टेस्ट खेलोगे तो काम कैसे चलेगा। नो डाउट विराट बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं उनका फैन भी हूँ, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद है। फाफ डुप्लेसिस की बात करें 2 मैच में अच्छी पारी आई है, बाकी फ्लॉप रहे। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें 1 या 2 मैच में बढ़िया पारी आई है, बाकी फ्लॉप रहे। DK की बात करें फिनिश अच्छा करें, सहवाज अहमद की बात करें फिनिश अच्छा करें, लेकिन 2 बैट्समैन के ऊपर अब मैच थोड़ी ना जीतेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर रजत पाटीदार की, पिछले मैच में बहुत जबरदस्त पारी आई, तो सबको उम्मीद होगी कि रजत पाटीदार फिर से ऐसी बल्लेबाजी करें। गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी इनकी किसी मैच में बढ़िया चलती है, किसी मैच में फ्लॉप हो जाती है। हर्षल पटेल की बात करें, हर्षल पटेल बढ़िया गेंदबाजी करें। जोश हेजलवुड की बात करें, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन किसी किसी दिन
महंगे साबित हो जाते हैं। वहीं नंदू हसरंगा की बात करें, इनकी भी कहानी में बढ़िया गेंदबाजी करते रहते हैं लेकिन एक आध ओवर में अच्छे खासे रन खा जाते हैं। सिराज की बात करें तो सिराज की भी वही कहानी, मतलब गेंदबाजी भी थोड़ा सा 19-20 चल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, इन्होंने 9 मैच खेला, 3 मैच जीते, 6 मैच हारे, इनके 6 पॉइंट्स है। इनको यहाँ से ना सारे मैचेस जीतने अगर प्ले ऑफ में जाना है। अगर हम इस खेमे में चेंजेस की बात करें तो मैं भी मोइन अली आ सकते हैं मिशेल सेटनर की जगह पर, अगर चेंज करना होगा तो यही एक चेंज हो सकता है अगर मोइन अली पूरी तरह से फिट हो जाएंगे तो। अगर नहीं होंगे या डीजे ब्रावो फिट हो जाएंगे तो वो भी प्लेइंग इलेवन में आ सकते हैं अगर फिट हो जाएंगे तो। अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल सेम प्लेइंग इलेवन के साथ चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में उतरेगा। अगर हम इनकी मतलब बल्लेबाजी की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच में 99 पे आउट हो गए, ये इस आईपीएल में दूसरी इनकी बेहतर पारी, उसके बाद सभी 7 मैच में फ्लॉप हो गए। एमएस धोनी ने बोला होगा ऋतुराज जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, अब ना अच्छा खेलना, सभी मैचों में अच्छा खेलना। द्वेन कनवो को दूसरी बार मौका मिला, अपने आप को प्रूव किया, मैं ओपनिंग के लिए बढ़िया। रॉबिन उतप्पा की बात करें तभी तक लगभग फ्लॉप रहे। अंबाती राडू की बात करें एक आध दो मैच में बढ़िया पारियां, ये भी फ्लॉप रहे। रविंद्र जडेजा की बात करें तो अभी तक समझ लो कप्तानी का दबाव था, अब कप्तानी छोड़ दी, हो सकता खुल के खेलेंगे तो जडेजा फिर से ऐसे ऐसे तलवारें लहराएंगे। वहीं बात करें एमएस धोनी की, माही तो जब भी आता है मारता है। गेंदबाजी की बात करें ड्वेन पेडरियस डीजे ब्रावो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, जब से महेश थिक्सिना आए हैं आग लगा दी है आग, मतलब सभी मैचों में विकेट निकालने हैं विकेट। आप मुकेश चौधरी की बात करें, ये भी पावर प्ले में विकेट निकालने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो गेंदबाजी है ना थोड़ा सा लाइनअप पे पकड़ चुकी है, बल्लेबाजी भी थोड़ा सा लाइन पे आ चुकी है। उम्मीद होगी सीएसके यहां से लगातार मैचेस जीते। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो आरसीबी ने लास्ट के 6 मैच में बस 2 मैच जीता और 4 मैच हारे, मतलब इनकी जो दुर्दशा है अभी के टाइम पे खराब चल रही है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 174, 174 रनों का, 174 हम ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब नहीं कह सकते। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.73, मतलब थोड़ा सा ना महंगी साबित हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीता है, 3 मैच हारा, मतलब कुछ हद तक चेन्नई ने वापसी करी। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 168, 168 रनों का, 168 ठीक ठाक होता है ना, बहुत अच्छा कह सकते हैं ना बहुत ही ज्यादा खराब कह सकते हैं। गेंदबाजी एवरेज की बात करते 8.43, ये थोड़ा सा बेहतर है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें लास्ट 6 मैच के भी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, दोनों टीमों का ना चेज और डिफेंड का रिकॉर्ड कैसा है एक दूसरे के सामने। आरसीबी को 13 मैच में चेज करने का मौका मिला चेन्नई के सामने, बस 4 मैच में कर लिया, 9 मैच में नहीं कर पाया, यानी आरसीबी फिसड्डी साबित होता चेन्नई के सामने चेज करने में। और सीएसके को 16 मैच में चेज करने का मौका मिला, आरसीबी के सामने 11 मैच में कर लिया, बस 5 मैच में नहीं कर पाया, यानी सीएसके मास्टर है चेज करने में किसके, आरसीबी के सामने। आरसीबी ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया सीएसके के सामने 146, 146 रन, और सीएसके ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया आरसीबी के सामने 205 रन। डिफेंड की बात करें तो आरसीबी को 16 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, बस 5 मैच में कर पाए, 9 मैच में नहीं कर पाए, यानी आरसीबी डिफेंड करने में भी फिसड्डी होता है किसके, सीएसके के सामने। और सीएसके को 13 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, 9 मैच में कर लिया, 4 मैच में नहीं कर पाए, यानी सीएसके डिफेंड करने में भी मास्टर है किसके, आरसीबी के सामने। आरसीबी ने लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया सीएसके के सामने 126, 126 रन, और सीएसके ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया आरसीबी के सामने 148, 148 रन। तो भाई लोग आपने देखा, चाहे चेज की बात कर लो या डिफेंड की बात कर लो, जो सीएसके है ना आरसीबी के ऊपर मास्टर है, वहीं आरसीबी की बात करें तो बेचारा फिसड्डी साबित हो जाता है। तो आज के मैच में क्या होगा, चलो फाइनली अब हम ना यही जानते हैं, लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार ना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, तो आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। तो अपने भाई का कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करें ना, ये जो मैच है वो 50-50 चेन्नई सुपर किंग्स और 50 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच होगा ना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने नाम पर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी विन टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेकिन आपको भी पता है कोविड का टाइम चल रहा है, कोई प्लेयर इंजर्ड होगा, किसी की तबीयत खराब होगी, उस कंडीशन में क्या होता है, टीम बदल जाती है। जब टीम बदल सकती है तो मैच विनर भी तो बदल सकता है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले आपका भाई अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता है, तो आपके लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया ना, बहुत ही बड़े बड़े फायदे में। आप सोच रहे होंगे अच्छा भाई ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पर, तो भाई साहब मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। आईपीएल के 4-5 मैच में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा। आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं अभी कौन सा देर होगी, आईपीएल के बचे मैचों में फायदे में रहना है ना, अगर रहना हो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। बस एक चीज का ध्यान रखना, फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, और आपको पता है जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। तो आज की वीडियो
वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।